परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभ्यासी लई पहला रसना द्वारा नाम जपना जरूरी है। यह अभ्यास पक जाणते स्वासा द्वारा सिमरन करना लाजमी है। अभ्यास पकण विच हरेक की अपनी सुरती बिरती अनुसार समा घट वध लग सकता है। जेड़े शुरू तो ही स्वासा दे सिमरन नाल जुड़ना चाहते हैं उन्होंने सफलता घट ही प्राप्त होंदी है। इस सिमरन तो ही अगे अजप्पा जाप की अवस्था विच पहुँचा जा सकेगा। दूजे इस सिमरन नाल शरीरिक जोर घट लगन करके थकावट नहीं होंदी, बिरती ज़्यादा अरूढ़ होंदी है। स्वासा दे सिमरन विच तीन क्रियावां करनिया होंदिया हन। पहला स्वास नूं अंदर खिंचना, फिर अंदर रोकना, अते तीजा उस नूं बाहर कढ़ना। गुरबाणी अंदर इन्हां क्रियावां नूं पूरक कुंभक ते रेचक लिखा है। स्वास तां पहलां ही सब दे अंदर चल रहे हुंदे हन, पर अभ्यासी ने इन्हां स्वासां द्वारा ही गुर शब्द दा अभ्यास खास ढंग नाल पकाउणा हुंदा है। उह इउं है कि स्वास नूं अंदर खिंचण विच 3 सैकेंड, 4 सैकेंड अंदर रोकण विच, अते 5 सैकेंड दा समां स्वास नूं बाहर कढ़ण विच लाउणा हुंदा है। फिर साह अंदर जाण समें सुरत नाल ही वाहे दा उचारण करना है। फिर 4 सैकेंड तक टिकाऊ रखना है, अते फिर 5 सैकेंड विच स्वास बाहर आउण समें सुरत नाल ही गुरु उचारण करदे जाना है। इस तरह 12 सकिंटां विच एक वारी वाहेगुरु गुरमंत्र दा अभ्यास होवेगा। इसे ढंग नाल 12 वार वाहेगुरु दा एकागर चित हो के सिमरन कीता जावे तां इस नूं लिव लगना आख्या जांदा है। इस तरह 1/2 घंटे तक एकागर चित सिमरन होवे तां समाधि अखवाउंदा है। जिवें जिवें स्वासां दा सिमरन वधदा जांदा है अते अभ्यास पकदा जावे, तिवें तिवें फिर इह सुभाअ ही बन जांदा है। फिर कोई विशेष उपराला नहीं करना पैंदा, सगों इह सिमरन बैठदिआं उठदिआं तुरदिआं फिरदिआं जागदिआं सुत्तिआं हर समय चलदे स्वासां दे नाल ही अपने आप हुंदा रहिंदा है। इसे अवस्था वाले व्यक्ति नूं ही गुरबाणी अंदर पूर्ण संत दी पदवी दित्ती है। जिन्हां सास गिरास नै विसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। इसे नूं ही सहज अवस्था जां तुरिया पद जां उन्मन स्थिति कहा गया है। गृहस्थी नूं स्वासां सिमरन नहीं करना चाहीदा, क्योंकि काम भोगन नाल शक्ति घटदी है ते पागलपन दी अवस्था बन सकती है।